गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उत्तराखंड के इन खूबसूरत और मनोहर पहाड़ों से, और अभी हो रहा है सनसेट। शाम का समय है, 6:30 बजने को है। पहाड़ी के उस पार सूरज डूबने को है और अभी भी थोड़ा समय है सनसेट पूरी तरह होने में। दिन इतने बढ़ चुके हैं, जाड़ों में तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। और वो जो जगह आपको दिखाई दे रही है, वहाँ ना जहाँ सनसेट हो रहा है पहाड़ियों के पार, उसके नीचे जो आपको जगह दिखाई दे रही है, वहाँ से मैं अभी चलता हुआ आ रहा हूँ। और आज ना देखो, ये बहुत सारी तितलियाँ सी उड़ती हैं ना, वो भी उड़ रही हैं आज, अगर आपको दिखाई दे रही होंगी तो। वैसे ये दीमक होती है, जिसे पंख निकल आते हैं तो ये उड़ने लगती है फिर। और ये अपनी बाबी में से निकलते हैं हजारों की तादाद में एक साथ उड़ते हुए इधर उधर, और दूसरे पक्षी और चिड़ियाँ इन्हें खाने और झपटने के लिए होड़ मची रहती है उनमें, दूसरे पक्षियों में, तो वो इन्हें चुन चुन करके खा लेते हैं उड़ते हुए। डाइव मारते हैं इन्हें अपने मुंह में दबा के खा लेते हैं। ये अपने घोंसलों में से निकलते हैं, बहुत भारी तादाद में निकलते हैं। तो आज यहाँ पर जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, अभी यहाँ पर लगता है मुझे नीचे की तरफ से आ रहे हैं। देखो नीचे कितनी गहराई है, तो यहाँ से ये कहीं से घोंसलों से निकल करके आ रहे हैं ऊपर की तरफ को अभी। और सनसेट हो रहा है तो यहाँ पे अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और सनसेट के बारे में मुझे किसी एक बंदे ने पहले बोला था ना कि यार, जो सनसेट से ज़्यादा लगाव रखते हैं और सनसेट जिन्हें बहुत अच्छा लगता है ना, वो निगेटिव माइंडसेट के होते हैं, उसने मुझे ये बताया था। और एक अजीब से तल्ख लहजे में ये बात बोली थी, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और मुझे सनसेट की ना दो बातें बहुत पसंद हैं। वो कौन सी दो बातें हैं, और वो हैं भी विशेष, अगर आप उन्हें मेरे नज़रिए से देखो तो, वो मैं आपको चलो बताता हूँ। पहले यहाँ से किसी दूसरी लोकेशन पे चलते हैं और उन दो ख़ास बातों के बारे में आपको बताते हैं जो कि सनसेट में मुझे दिखाई देती हैं। उससे पहले कि मैं उन ख़ास बातों के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको एक बार चारों तरफ ये कैमरा घुमा के दिखाना चाहता हूं कि अभी यहां का पर्सपेक्टिव कैसा है। ये बहुत ही मनोहर और सुहाना दृश्य है। चलो अब आगे चलेंगे। दाएं कट लेंगे हम एक राइट हैंड साइड पे। मेरे वहां से यहां आने तक मुश्किल से 2 मिनट का समय लगा है। इन 2 मिनटों में ही सनसेट होने को है, पूरा सूर्य अभी डूब जाएगा थोड़ी देर में। और जिस जगह से मैं आ रहा हूं वो नीचे है बिल्कुल। असल में जहां पे मेरा घर है थोड़ा ऊंचाई पर, और जहाँ मैं काम करने जाता हूँ, जहाँ पे मेरी शॉप है, वो है थोड़ा डाउन में, तो वो एकदम घाटी में है और मेरा घर टॉप में है। और ये यहाँ भी वही तितलियों की बौछार है। ये जो रास्ता है ये सीधे मेरे घर को गया है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये हार्ड रॉक है और इसे काट करके ये रोड बनाई गई है, और ऊपर को पूरी खड़ी चट्टान है ये। और आज अभी चंद्रमा भी निकला हुआ है क्योंकि शुक्ल पक्ष है, इसलिए आधा चंद्रमा है अभी। तो गाइज, मैं आपको बता रहा था कि सनसेट में मुझे दो ख़ास बातें लगती हैं अच्छी, और वो ख़ास बातें बातें नहीं हैं बल्कि ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है। और वो ये है कि जैसे आपने देखा ना, ढलते समय थोड़ा लालिमा लिए हुए एक सुनहरा सा प्रकाश होता है सूर्य का जब सनसेट होता है, और जब सनराइज होता है तब भी वैसा ही कुछ नज़ारा होता है। यानी उसके जो कलर और अपीयरेंस में है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है सनसेट के समय भी और सनराइज के समय भी। तो इससे कम से कम हमें ये सीख तो मिलती है कि आदमी चाहे आगे बढ़ रहा हो, चाहे ना बढ़ रहा हो, चाहे वो ग्रो कर रहा हो, चाहे वो ना कर रहा हो, लेकिन उसे अपना बिहेवियर हमेशा एक जैसा रखना चाहिए। जैसे कि सूर्य का उगते समय भी वही अपीयरेंस रहता है टोटल, और
ढलते समय भी। पहली बात तो मुझे सनसेट में ये अच्छी लगती है, और दूसरी बात ये अच्छी लगती है कि चाहे कोई कितना भी ऊंचा उठे, एक दिन ढलता ज़रूर है। तो इसी तरह आदमी को भी अपनी लाइफ में, चाहे वो अपराइज कर रहा हो, चाहे वो डाउनवर्ड जा रहा हो, लेकिन उसको अपने व्यवहार पर ऐसा नियंत्रण रखना चाहिए कि वो हमेशा सामान्य एक जैसा बना रहे। निगेटिव माइंडसेट हो या पॉजिटिव माइंडसेट हो, आप सिर्फ उन सब चीज़ों को तटस्थ रह के देख तो सकते ही हैं, अपने काम से काम तो रख ही सकते हैं। होता है लाइफ में निगेटिव चीज़ें भी आती हैं और पॉजिटिव चीज़ें भी आती है, आदमी तो वही है जो पॉजिटिव को संभाल ले और निगेटिव को भी हैंडल कर ले, है ना। दैट सो कॉल्ड पर्सनैलिटी। मेरा जो चैनल है उसमें कंटेंट भी मैं चेंज करने वाला हूँ, और मुझे ये दिखाने में बड़ा एक्वर्ड लगता है कि ये मैंने खा लिया, ये मैंने पी लिया, ये दाल भात खा ली, ये मैं उठ गया, तैयार हो गया, मैंने नहा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, फलाना ढिमका, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मैं क्या दिखाऊँ, अभी तो मैं क्या दिखाऊँ। बहुत सच बात है, किसी की प्राइवेट लाइफ कोई देख के करेगा भी क्या, लोग बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब उसका जो है ना कंटेंट एकदम चेंज करूँगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता तो फिर मैं आपको चीज़ें सिलसिलेवार दिखा सकता था कि मैं यहाँ गया हूँ, यहाँ आप ऐसे पहुँचिए, यहाँ पर ये ख़ास चीज़ें हैं, यहाँ यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पर आपको इतना इतना पैसा लगेगा, ये आप हेल्पलाइन है, किसी इमरजेंसी कंडीशन में आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ये चीज़ें हैं। इस तरह अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता तो एक सिलसिलेवार उन चीज़ों को संजो कर पिरो कर मैं आपको दिखा सकता था, क्योंकि ज़्यादातर समय मेरा यहीं बीतता है अपने गांव में ही, और मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता हूं। तो जब मैं ट्रैवल कर पाऊंगा तब की बात तब देखेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपको सिर्फ अपनी बातें शेयर कर पाऊंगा, जो बातें मेरे पास आपके लिए कहने को हैं, और जो अपने दिल की बातें, अपने दिल की भावनाओं को मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड से कह सकता हूँ, मैं अपने फास्ट फ्रेंड से जो बातें शेयर कर सकता हूँ वही मैं आपसे शेयर करूँगा आज के बाद। आज के बाद इन फ्यूचर यही मेरा कंटेंट है। ये छोटा सा ब्लॉग है, इसमें मैंने दो बातें आपसे शेयर की। तो अभी चलेंगे घर को, और इस वाले ब्लॉग को तो मैं आज ही अपलोड कर दूँगा क्योंकि ये एक छोटा सा ब्लॉग होने वाला है। तो अभी मैं घर जाऊंगा और थोड़ा सा इसको एडिट करने के बाद इसे अपलोड कर दूंगा। अभी मैं इसे 6:30 बजे के आसपास ही शूट कर रहा था, तो अभी मैं इसे थोड़ी देर में अपलोड भी कर दूंगा। बाय बाय।